कैसे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया की दो डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ, नोकिया 7 प्लस एंड नोकिया 6.1 प्लस दोनों डिवाइस में जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है। जी हाँ, 1 जून 2019 की जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट HMD ग्लोबल की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इस अपडेट के बारे में आपको आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस अपडेट में आपको क्या क्या नया मिलने वाला है इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो अपडेट का साइज है क्या होने वाला है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट किए तो आपको मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोकिया की 6.1 प्लस एंड नोकिया की 7 प्लस दोनों डिवाइस काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है। एंड इंडियन मार्केट में जो है इसका जो पॉपुलरिटी है काफ़ी अच्छा पॉपुलरिटी है। HMD ग्लोबल की तरफ से जी है आज जो है जून की सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज कर दिया गया है। जी 1 जून 2019 की सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये दो डिवाइस की यूजर्स हो, अगर आप इस डिवाइस के यूजर्स हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप जो है आप अपने डिवाइस के सेटिंग ऑप्शन में जाइए, सबसे लास्ट में आपको सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अबाउट फोन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैनुअली सिस्टम अपडेट चेक करिए। ये जो अपडेट है आपको ओटा अपडेट के थ्रू मिलेगा। जी हाँ, अपडेट जो है आपको ओटा अपडेट के थ्रू मिलेगा, इसका जो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा, आप जो है मैनुअली अपडेट चेक करिए, अपडेट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपडेट नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके जो IMEI नंबर होता है, IMEI नंबर की सीरीज वाइज जो है अपडेट रिलीज होता है, एक दो दिन के अंदर जरूर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अपडेट साइज क्या होने वाले। जी हाँ, नोकिया 7 प्लस, जी हाँ, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की जो अपडेट साइज है फ्रेंड्स 307 MB। जी हाँ, 307 MB इसका अपडेट साइज है, अपडेट ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड पाई बेस अपडेट है, एंड्रॉयड 5 का जो वर्जन होने वाला है फ्रेंड्स V3.54E, इसका जो एंड्रॉयड 5 का वर्जन है, इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर जो है जून के सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया गया है। नोकिया 7 प्लस की जो अपडेट साइज है फ्रेंड्स 307 MB एंड नोकिया 6.1 प्लस इस डिवाइस की जो अपडेट साइज है फ्रेंड्स 281 MB। जी हाँ, अपडेट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपडेट करने से पहले बैटरी को 100% चार्ज कर लीजिए, डेटा बैलेंस अच्छा 500 MB से ऊपर रखिए, एंड इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप अपने डिवाइस को अपडेट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे इस अपडेट में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। जी हाँ, इंप्रूवमेंट आपको ज़्यादा कुछ आपको इस अपडेट में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड इसका जो UI का जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो पैकेज है काफ़ी अच्छा पैकेज है। एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के ऊपर जितने भी सारे डिवाइसेस हैं सब में जो है अपडेट बहुत ही जल्दी दे दिया जाता है, एंड गूगल की तरफ से डायरेक्ट अपडेट आता है। इसके बाद जो है इस नोकिया 7 प्लस एंड नोकिया 6.1 प्लस ये दो डिवाइस के अपडेट के बाद जो है नोकिया 6 में भी अपडेट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। जी हाँ, एंड नोकिया 5, नोकिया 3.13 ये सब में जो है अपडेट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट के रिगार्डिंग अगर और कुछ न्यूज निकल के आता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देने वाला हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।